आचार्य चाणक ने चाणक नीतियों के जरिए मनुष्यों को जीवन से जुड़े हुए अनेकों आवश्यक और कड़े संदेश दिए हैं। चाणक द्वारा बताई गई नीतियों को जानकर कोई भी इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। चाणक नीति उन्हें बेहतर और श्रेष्ठ बनने के लिए हमेशा ही प्रेरित करती है। चाणक नीति के अनुसार हर इंसान की सफलता बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो इंसान किस जगह पर रह रहा है। चाणक ने अपनी चाणक नीति में कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताया है जहाँ पर मनुष्य को भूल कर भी एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो वह मनुष्य जीवन भर कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा और ना ही सुखी रह पाएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं आचार्य चाणक द्वारा बताई गई उन 5 ऐसी जगहों के बारे में जहाँ पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। नमस्कार एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान के इस एक और नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले धर्म, अध्यात्म, रहस्य, रोमांच और जीवन में काम आने वाली अद्भुत और अलौकिक जानकारियों से भरपूर वीडियो आप। सबसे पहला है मान सम्मान। चाणक नीति के अनुसार जिस जगह पर इंसान को सम्मान न मिले या कोई आदर न करे ऐसी जगह पर कभी भी नहीं रुकना चाहिए। मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने में व्यक्ति को कई साल लग जाते हैं। जहाँ पर आपका अनादर हो वो जगह व्यक्ति के रहने लायक नहीं हो सकती, इससे उसकी छवि खराब होती है। इसीलिए आचार्य चाणक कहते हैं कि ऐसी जगह पर व्यक्ति को एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी है रिश्तेदार। चाणक ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि जिस जगह पर आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त भी ना रहता हो उस स्थान का भी तुरंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपने ही साथ खड़े होते हैं। इसीलिए ऐसी जगह पर रहें जहां आपके हितेशी हों, आपके रिश्तेदार हों। तीसरी है रोजगार। आजीविका के लिए जरूरी है रोजगार। धन कमाने का जरिया जहां ना मिले वहां से हट जाना ही बेहतर है, क्योंकि अच्छे भविष्य के लिए धन की आवश्यकता होती है और जहां धन कमाने के अवसर ना हो उस जगह का त्याग कर देना ही सबसे उचित है। इसीलिए आचार्य चाणक कहते हैं कि ऐसी जगह का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। एक चौथा है शिक्षा। आचार्य चाणक के अनुसार जिस जगह पर पढ़ाई लिखाई को महत्व न मिलता हो, शिक्षा के साधनों की कमी हो, उस जगह पर कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति अधूरा है। ऐसे स्थान पर बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है और व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, इसीलिए ऐसे स्थान का त्याग करना ही सही रहता है। 5वां है गुण। समय के साथ मानसिक विकास भी बहुत जरूरी है। सीखने से ही बुद्धि में वृद्धि होती है। जिस जगह आपको सीखने लायक कुछ ना हो उस स्थान को त्यागना ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका विकास रुक सकता है और बाकियों से आप पीछे रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो आचार्य चाणक ने 5 ऐसी जगहों के बारे में बताया है जहाँ पर इंसान को एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।